मैजिक, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक को बहुत अच्छे लोग पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों का जो प्यार है वो इतना, इतने दिल खोल कर लोगों ने फिल्म की तारीफ़ की है, लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं फिल्म की। और जब मैं थिएटर जाता हूँ, मैं अक्सर क्या करता हूँ कि पहले 3-4 दिन में थिएटर जाता हूँ और साइड में खड़ा रह के लोगों के चेहरे देखता हूँ जब वो फिल्म देख रहे हैं, और मैं वहाँ पर ही समझ जाता हूँ कि फिल्म कैसे बिहेव करने वाली है। तो यस, पहले 1-2 शोज़ थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन उसके बाद जो फिल्म ने पिकअप किया है वो बहुत अच्छा पिकअप किया है। ऐसा ही पिकअप चक दे ने किया था पहले 3 दिन में, और ऐसा ही पिकअप थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक ने भी किया है। और टच वुड, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही पिकअप चलता रहे और फिल्म हिट हो जाए। और लेकिन जो प्यार मिला है लोगों से और जो रिएक्शंस आए हैं लोगों के, वो बहुत ही दिल को छू लेने वाले हैं। यस, आई थिंक देखिए क्या होता है कि बच्चों की जो फिल्में होती हैं या जो हमारे अंदर के जो बच्चे हैं वो, उससे अगर हम बात करते हैं, वो शायद थोड़ा जैसे इंडस्ट्री टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं स्लो स्टार्टर वो रहते हैं, लेकिन ये सब बातें हैं जो 3-4 दिन बाद हम भूल जाते हैं, बिकॉज देन वेन द इम्पैक्ट इज़ देयर ऑफ अ फिल्म, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब एक फिल्म का इम्पैक्ट स्ट्रांग होना, तब सब कुछ अच्छा रहता है। तो इस फिल्म का भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि आपने ऐसी फिल्म बनाई है जो हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि आपने ऐसी फिल्म बनाई है जो हम देखना चाहते हैं, बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं कि आपने ऐसी फिल्म बनाई है जो हम पूरे परिवार के साथ जाके देख सकते हैं। तो इतना मज़ा आ रहा है कि पूरा परिवार एक साथ जाके फिल्म देख रहा है, वो इतना दादी दादियों आई मीन दादा दादियों ने मुझे आशीर्वाद दिया थिएटर में कि थैंक गॉड आपने एक ऐसी फिल्म बनाई कि हम पूरे खानदान के साथ आ सकते हैं, पूरे परिवार के साथ आके देख सकते हैं। तो और जो ये जो जॉनर है बच्चों की फिल्मों का, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉनर है, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ फिल्म बनाते हो तो आपको बहुत ऑनेस्टली फिल्म बनानी पड़ती है। एंड आई थिंक जैसे बहुत लोगों ने कहा, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द विक्ट्रीज ऑफ द फिल्म। हाउ मच एवर इट डज़ एट द बॉक्स ऑफिस, हाउ एवर इट डज़ एट द बॉक्स ऑफिस, जो बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है फिल्म देख कर, दैट नो बॉक्स ऑफिस कैन बीट दैट। रानी, सैफ, यशराज और आप, जब भी साथ में आए हैं आपने कोई ना कोई मैजिक क्रिएट किया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि रानी, सैफ और यशराज आपके फेवरेट्स हैं या कम ऐसे हैं? बिल्कुल, आई थिंक जैसे आपने कहा कि रानी, सैफ और मैं जब भी साथ में आए हैं तो हमने मैजिक क्रिएट किया है। हम तुम में लोग शुरू में पूछ रहे थे क्या ये वैसा ही मैजिक होगा, मैंने बोला नहीं, ये कुछ अलग मैजिक होगा, और ये साबित हो गया है अब तक तो कि ये कुछ अलग मैजिक है। तो आई थिंक अच्छा है जब लोग, आई थिंक कुछ लोगों की कुंडली साथ में जुड़ी होती है, शायद रानी, सैफ मेरी और यशराज की कुंडली साथ में जुड़ी हुई है, तो व्हाई नॉट, इट्स गुड, ग्रेट। जी एज अ क्रिटिक पहले जी आपने जब शुरुआत की बिल्कुल, थी, तो उसमें और अब जब आपकी फिल्म रिलीज होती है और जब क्रिटिक्स उसके ऊपर रिव्यूज देते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या रहता है? कैसे उस रिव्यूज को लेते हैं? मैं जो रिव्यूज़ साफ दिल से लिखे होते हैं मैं उन्हें ज़रूर पढ़ता हूँ। एक अभी हाल ही में Rediff.com में एक रिव्यू आया था, जब मुझे पता चला कि रिव्यूअर जो है वो 45 मिनट्स लेट आया, तो मैं बोला फिर उसने फिल्म रिव्यू कैसे की, जब पहला हाफ जो है पिक्चर का 1 घंटा 7 मिनट है और वो 45 मिनट्स बाद आया, तो उसने पहले हाफ के तो सिर्फ 22 मिनट देखे, तो कैसे रिव्यू किया? तो फिर ऐसे रिव्यू मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। जो कुछ और रिव्यूज़ होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि जो पॉइंट्स उन्होंने कहा है, हाँ ठीक है, यस, नो फिल्म मेकर इज़ 100%, आई डोंट थिंक आई एम दैट क्वालिफाइड दैट आई कैन से दैट माई फिल्म इज़ परफेक्ट। हर चीज़ में कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें कम होती हैं, तो यू रीड दैट एंड यू गेट एजुकेटेड विद दैट एंड यू एक्सेप्ट दैट, जबकि क्रिटिक का इंटेंशन जो है वो सही है, तब देन यू टेक दैट एज अ थिंग। वेन यू हैव इंस्टेंसेज जब आपको पता है कि कुछ बायस है, तो फिर आप उसको बिल्कुल ही डिस्काउंट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक इज़ ऑलवेज द ऑडियंस, उससे ज़्यादा बेटर क्रिटिक कोई नहीं होता, और जब ऑडियंस आपको स्वीकार करती है तो देन दिस नथिंग बेटर देन दैट। एज ए क्रिटिक बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इफ अ फिल्म मेकर एंड अ क्रिटिक दोनों एक साथ आप नहीं हो सकते। मैं कैसे सैफ अली खान के साथ या आमिर खान के साथ फिल्म बनाऊं और फिर उनकी फिल्म के बारे में मैं क्रिटिक करूं, ये हो नहीं सकता है। आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू बोथ रोल्स, एज मैं ये नहीं मानता हूं कि अ फिल्म मेकर और
एक क्रिटिक बन सकता है और एक क्रिटिक एक फिल्म मेकर एक साथ बन सकता है. यू कैन नॉट डू जस्टिस टू बोथ एक साथ, वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों के साथ काम करना है. आप कैसे उनको उनको क्रिटिक करेंगे, यू नो हाउ विल यू क्रिटिक दोज फिल्म्स जिनको अभी वहीं बैठ जाए यशवंत. हाँ, ये आंसर में कुछ गड़बड़े. रेडी रोलिंग. हाँ, एक फिल्म मेकर और एक क्रिटिक, एक फिल्म मेकर और एक क्रिटिक एक साथ एक इंसान नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है. मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि आई फील आप दोनों काम को जस्टिस नहीं दे सकते हो. हाउ कैन यू वर्क विद द सेम पीपल एंड क्रिटिक देयर फिल्म्स एंड फेस देम नेक्स्ट मॉर्निंग और व्हाटएवर. आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, एटलीस्ट आई कांट डू इट. और जब आप एक क्रिटिक हो तब आप एक क्रिटिक रहिए, जब आप एक फिल्म मेकर हो तब आप फिल्म मेकर बनिए. ये दोनों काम तो साथ में बिल्कुल नहीं हो सकते. और अगर आप कहीं पर समझो आपने किया भी, तो लोग हमेशा आपको डाउट की नज़र से देखेंगे. मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने यशराज फिल्म के साथ पहली फिल्म साइन की थी और यशराज फिल्म की एक फिल्म रिलीज़ हुई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उस फिल्म को अच्छा रिव्यू दिया, तो सब लोगों ने कहा कि आपने अच्छा रिव्यू सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि आपने यशराज फिल्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. उस दिन से आई स्टॉप बीइंग अ क्रिटिक. हाँ, मेरी हर फिल्म 2 साल के बाद आई है. ये कोइंसिडेंस भी है और शायद एक मेरे काम करने का तरीका भी है कि जब एक फिल्म रिलीज़ होती है उसके 3 महीने बाद तक मैं और कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ. मुझसे दोस्ती करोगे नहीं चली थी तो मैं थोड़ा डिप्रेस था, तो 3 महीने के लिए और कुछ सोच नहीं सका. हम तुम अरफना हिट थे तो 3 महीने तक और कुछ सोच नहीं सका, उसी के नशे में घूम रहा था. अब थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक भी ऐसा लग रहा है कि चलेगी, तो अगर वो चल गई पिक्चर तो फिर भी 3 महीने के लिए मैं उसके नशे में रहूँगा. तो फिर उसके बाद मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर मैं आर्टिस्ट के पास पूरी स्क्रिप्ट के साथ जाता हूँ. जब तक वो डेट्स देते हैं फिल्म बनाते हैं तो 2 साल निकल जाते हैं, क्या करें. लेकिन इस बार शायद मेरी अगली स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार शायद 2 साल नहीं लगे. लेकिन क्या पता, आर्टिस्ट के डेट्स भी एक चीज़ होते हैं, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग व्हेन यू स्टार्ट अ फिल्म एंड फिनिश द फिल्म. देखिए, सबसे पहले फिल्म तब शुरू होती है जब स्क्रिप्ट रेडी होता है. मैं आर्टिस्ट के पास विदाउट स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं जाता हूँ. जब तक पूरी स्क्रिप्ट से मैं खुश नहीं हूँ मैं किसी आर्टिस्ट के पास जाता ही नहीं हूँ. जब स्क्रिप्ट रेडी हो तब मैं आर्टिस्ट के पास जाता हूँ, बोलता भैया ये स्क्रिप्ट है, आपको करनी है नहीं करनी है बताइए. तो जब मैं प्रोड्यूसर भी बनूंगा और डायरेक्टर्स के साथ, पहली बात ये होगी पहले आप स्क्रिप्ट रेडी करो फिर हम आर्टिस्ट के पास जाएंगे. मैं आर्टिस्ट के पास बिना स्क्रिप्ट के जाकर मैं क्या बोलूँगा, चल यार पिक्चर बनाते हैं. अच्छा, क्या पिक्चर बनाए, वो सोच रहा हूँ. अरे ये क्या बात हुई, पहले स्क्रिप्ट फिर आर्टिस्ट. लेट आस्क द क्वेश्चन, आई विल आंसर, डोंट वरी. जी डेफिनेटली, मैं फ्यूचर में फिल्म्स प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ. हम ऑलरेडी स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहे हैं. मैंने 2-3 जो मेरे असिस्टेंट्स थे उनको बोला है कि आप स्क्रिप्ट बनाइए, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप अच्छे डायरेक्टर बनोगे. तो वो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं. पहले बात जैसे मैंने कहा, पहले स्क्रिप्ट. जी वो आई थिंक किस्मत थी, एक वक्त था जो ऐसी बातें हो गई. उम्मीद करता हूँ आगे चल के भी ऐसी बातें हों. मैं जब मेरे पास फना की स्क्रिप्ट आई, मैं स्क्रिप्ट पर बैठा थोड़े बहुत राइटर के साथ, मैंने थोड़े कुछ चेंजेस थे वो किए और फिर हम और फिर मैंने अपने आप से पूछा कि हु वुड आई लाइक टू सी इन दीज कैरेक्टर्स, और मुझे सिर्फ आमिर और काजल दिखाई दिए वो 2 कैरेक्टर्स में. तो मैं आमिर और काजल के पास गया और मेरी खुशकिस्मती थी कि दोनों ने हाँ कहा. तो इट जस्ट हैपेंड दैट वे. ये कोई मार्केटिंग प्लान नहीं था, ये ऐसा नहीं था कि चलो आमिर और काजल को लेके फिल्म बनाते हैं. ये 2 ऐसे कलाकार हैं जिनको आप ये नहीं सोच सकते कि उनके साथ आपको फिल्म बनानी है, उनको भी तो हाँ करना है. और दोनों से हाँ कहलवाना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल का काम है. तो आई थिंक आप कभी ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आप इस आर्टिस्ट के साथ, कि आप ऐसे आर्टिस्टों के साथ काम करोगे. दे हैव टू ऑल्सो डिसाइड दैट दे वॉन्ट टू वर्क विद यू, सो यू हैव टू सी इट इन दैट वे ऑल्सो. जी क्या उन्हें हम ये कह सकते हैं कि आपके आपने खुद काम किया तो आप क्या जी कहते हैं कि ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर.
आमिर खान 100% एक डायरेक्टर्स एक्टर हैं। वो जब आप आमिर के साथ एक फिल्म करते हो तो उन दिनों जब भी आप चाहते हो आप आमिर से मिल सकते हो, वो आपके लिए टाइम निकालेंगे जिस कोई भी चीज़ के लिए। मतलब आई डोंट थिंक मुझे आधा घंटा से ज़्यादा कभी वेट करना पड़ा। मैंने आमिर को फ़ोन किया, आमिर कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए मिलना है, हाँ ठीक है आ जा। हाँ आमिर स्क्रिप्ट के पे स्क्रिप्ट पर कुछ डिस्कशन करना है, हाँ ठीक है घर आ जा। आमिर इस बात पर बात करना है, अरे मैं बाहर हूँ अभी, मैं एक घंटे में घर पहुँच रहा हूँ, तू पहुँच जा। अच्छा नहीं मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँ, तू आ जा मैं पहुँच जाता हूँ। तो आमिर इज़ लाइक दैट, ही इज़ अवेलेबल टू यू 24 hours व्हेन यू मेकिंग अ फिल्म विद हिम। एंड एज अ फ्रेंड आमिर इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू यू 24 hours। मैं अगर आप मेरी चारों फिल्में देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने हमेशा अलग जॉनर पर फिल्में बनाई हैं। जब हम तुम और फना के बाद मुझे बहुत कामयाबी मिली तो मैंने बोला चलो एक ऐसे जॉनर को पकड़ते हैं जो बहुत रिस्की है। आप देखिए जब मैंने थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक स्टार्ट की थी तो बच्चों पर बहुत कम फिल्में बनी थी और बहुत कम फिल्में हिट हुई थी, फिर भी मैंने इस सब्जेक्ट को चुना। ये टाइम पर खास करके है, पर दूर है लेकिन फ्लाइट पाथ में है ये। और मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि बच्चों के ऊपर और बच्चों के लिए हम आजकल फिल्में नहीं बना रहे। बच्चे वो कौन सी फिल्म के साथ बड़े होंगे, वो कौन सी फिल्म लेकर बच्चे बोलेंगे ये फिल्म मैंने 25 बार देखी जब मैं बच्चा था। उम्मीद करता हूँ बोलेंगे मैं जब बच्चा था तो थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक मैंने 25 बार देखी, 50 बार देखी जब मैं बच्चा था। और पेरेंट्स बोलेंगे कि ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। पेरेंट्स थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक अपनी बच्चों को ये फिल्म दिखाना चाहते हैं। तो ऐसी फिल्म जब चलती है या जब इम्पैक्ट उसका सही होता है तो वो बहुत सही होता है, वो उसका जो इम्पैक्ट है वो बॉक्स ऑफिस से कहीं ज़्यादा होता है। आपने रानी के साथ इतने काम किया? जी 3 फिल्में की हैं रानी के साथ। तो आपको क्या लगता है रानी में और कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लोर करना एक डायरेक्टर के लिए बाकी है? अभी तक उन्होंने काफ़ी सारे रोल्स कर लिए हैं, और कुछ बचा हुआ है जो हम? बिल्कुल, अब जैसे थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जैसा रोल उन्होंने पहले नहीं किया था, उन्होंने अब वो भी कर लिया। आई थिंक एक जो जो अच्छे एक्टर्स होते हैं जो फॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में हैं, वो आप उन्हें कोई भी रोल दीजिए वो कर सकते हैं। तो अब और भी ऐसे बहुत रोल्स हैं जो रानी आगे जाके भी कर सकती हैं। मैं एक्चुअली आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ सुपर हीरोज़। आई थिंक द फर्स्ट मुझे जब मैं यंग था तो मैं फैंटम की कॉमिक्स पढ़ता था तो मुझे फैंटम बहुत अच्छे लगते थे। आई लाइक क्रिश अ लॉट एज अ सुपर हीरो। आई थिंक अगर आज आप मुझे पूछे कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है तो मैं ज़रूर कहूँगा क्रिश। जो भी फिल्म मैंने बनाई है वो उस वक्त मेरे दिल के बहुत करीब है और इसलिए मैंने वो फिल्म बनाई। और अब जो मैं नेक्स्ट फिल्म बनाऊंगा आई हैव टू फाइंड समथिंग दैट इज अगेन क्लोज टू माय हार्ट एंड देन आई मेक इट, अदरवाइज आई डोंट मेक अ फिल्म दैट्स नॉट क्लोज टू माय हार्ट। शायद इसलिए भी मुझे 2 साल लग जाते हैं फिल्म बनाने में क्योंकि आई लुक फॉर समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड स्पेशल। हिट फिल्म का फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। अगर आपको कोई भी कुछ कहे कि ये फार्मूला है हिट फिल्म का तो वो ऐसे ही गेस कर रहा है या कुछ कह रहा है। हिट फिल्म का कोई फार्मूला नहीं होता। हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। फिल्म हिट करना ऑडियंस के हाथ में और उनके हाथ में। यू हैव मेड सो मेनी फिल्म्स अभी तक, 4 4 फिल्में भी काफी हैं जी, और उसमें से ज्यादातर हिट 3 होपफुली। तो आपने क्या सीखा है अभी तक के जर्नी में? मैंने अभी तक ये सीखा है कि हर बार हमें कुछ नया करना चाहिए, हर बार ऑडियंसेस कुछ नया देना चाहिए और हर बार सच्चे दिल से और साफ दिल से फिल्म बनाना चाहिए क्योंकि वो दिख जाता है स्क्रीन पर। जो एक इंटेंशन होती है फिल्म मेकर की वो दिख जाती है स्क्रीन पर। अब ऑडियंसेस ने थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में ये देखा है कि मैं कुछ अच्छी सीख देना चाहता था लोगों को। ऑडियंसेस ने ये देखा है कि मैं कुछ अच्छी बातें कहना चाहता था इस फिल्म के ज़रिए और वो लोगों के सामने आ गई है। छोटी सी छोटी बात जो हमने कही है वो लोगों ने देखी है, सुनी है, अपनाई है। तो ये सबसे बड़ी सीख मुझे मिली है कि आप छोटी सी छोटी बात भी कहेंगे लेकिन साफ दिल से कहेंगे तो ऑडियंसेस उसे सुनेंगी और अपनाएंगी। एनिमेशन फिल्म्स
जी हम तो वाज द फर्स्ट फिल्म टू यूज एनिमेशन नहीं आई डोंट थिंक मैं फुल टाइम एनिमेशन फिल्म बना सकूं बिकॉज मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है आई लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल मुझे फिल्म का जो सेट का माहौल होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है आई लाइक बींग ऑन द सेट्स आई लाइक बींग बिहाइंड द कैमरा नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जैसे मैं अभी बैठा हूँ आई लाइक बींग बिहाइंड द कैमरा आई लाइक द लाइट्स ऑफ द सेट आई लाइक द जो एक सेट पर एक एनर्जी होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है जो हर एक शॉट के बाद एक एक शॉट से जो फिल्म बनती है आप देखते रहते हो कि हाँ मेरी फिल्म बन रही है मेरी फिल्म बन रही है लोग जब परफॉर्म करते हैं आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो एक्टर से टेक्नीशियन से वर्कर से सबसे आप इंटरेक्ट करते हो तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आई डोंट नो वेदर आई हैव द टेम्परमेंट टू मेक एन एनिमेशन फिल्म आई डोंट थिंक मैं एक एनिमेशन फिल्म बना पाऊंगा क्योंकि मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है जी जी म्यूजिक वीडियोस भी किए जी जी अब मेकिंग मोर मूवीज मेकिंग मेनी मोर मूवीज मैं ये सब जो चीज़ें मैंने किए थे मैंने आपकी तरह इंटरव्यूज़ लिए लोगों के मैंने फिल्म क्रिटिक्स किए मैंने टीवी शोज़ बनाए हैं मैंने टीवी शोज़ मैंने म्यूज़िक वीडियोस बनाए हैं वो सब एक ज़रिया था फिल्मों तक पहुँचने का अच्छा यू सी जब इंटरव्यू खत्म होगा ना तो एक फ्लाइट नहीं जाएगी तो 15 मिनट के लिए कोई फ्लाइट नहीं जाएगी ये सब चीज़ें मैंने इसलिए की ताकि मैं फिल्मों तक पहुंच सकूं जब मैं चाहता था आना फिल्मों में तो बहुत मुश्किल था जब मैं फिल्मों में आना चाहता था तो बहुत मुश्किल था फिल्मों में आना बहुत क्लोज नेट इंडस्ट्री थी हमारी इतने कॉर्पोरेट्स नहीं थे इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे टू मेक फिल्म्स तो मैंने ये रास्ता अपनाया टू एंटर फिल्म्स टेलीविजन फिल्म क्रिटिक म्यूज़िक वीडियोस ये सब जरिए थे टू रीच द फिल्म इंडस्ट्री टू रीच डायरेक्टिंग फिल्म्स अब मैं सिर्फ ये चाहूँगा टू ओनली मेक फिल्म्स मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ जी दोनों काम बहुत मुश्किल हैं कोई भी फिल्म बनाना चाहे स्टोरी किसी और की हो या कहानी आपकी खुद की हो मैंने फना की स्टोरी नहीं लिखी थी लेकिन उसके डायलॉग्स लिखे थे डायलॉग्स मैंने इसलिए लिखे ताकि मैं कहानी को अपनाना चाहता था कैरेक्टर्स जो थे वो मैं उनमें समाना चाहता था वो कैरेक्टर्स को उन्हें अपना बनाना चाहता था क्योंकि जब मैं फिल्म लिखता हूँ तो वो कैरेक्टर्स मेरे हैं जब कोई और लिखता है तो वो मेरे कैरेक्टर्स नहीं हैं तो मैं उनके डायलॉग से उन्हें अपना बनाना चाहता हूँ इसलिए मैंने फना के डायलॉग्स लिखे और आगे चल के भी अगर मैं किसी के भी मैं किसी और राइटर की भी कहानी लूँगा तो मैं डायलॉग ज़रूर लिखूँगा लेकिन दोनों सूरतों में बहुत मुश्किल काम है फिल्म बनाना जी नहीं मैं सीक्रेट नहीं रखना चाहूँगा लेकिन अभी जैसे मैंने कहा मैं अभी तक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ तो जब तक स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है मैं किसी एक्टर के पास जाता नहीं हूँ तो जब स्क्रिप्ट फाइनलाइज होगी तब मैं किसी एक्टर के पास जाऊँगा क्या पता अगर वो कैरेक्टर्स को सूट करें बट आई एम नॉट श्योर मैं अभी कहानी लिख रहा हूँ शायद कहानी नहीं बने कुछ और कहानी बन जाए तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है बिल्कुल काजल इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल पीपल आई वर्क्ड विद बहुत ही प्रोफेशनल है आप उनको अगर बोलेंगे कि आपको 9 बजे ऑन द सेट चाहिए आई मीन यू नो इफ़ अगर आप काजल को बोलेंगे कि आप चाहते हैं कि वो 9:30 बजे सेट पर रेडी आए मेकअप के साथ 9:15 बजे ऑन द सेट रेडी विद मेकअप काजल को स्क्रिप्ट के टाइम मैंने कुछ बातें कही कि मैं ये सीन को ऐसे शूट करना चाहता हूँ ऐसे करना चाहता हूँ इस कैरेक्टर को ऐसे बनाना चाहता हूँ 6 महीने बाद हम शूट कर रहे थे वो सीन तो उसने कहा आर यू गोइंग टू शूट द सीन जैसे तुमने मुझे कहा था यू हैड सेड यू गोइंग टू डू दिस एंड ऑल आई सेड ओ यस आई डिड एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू शूट इट तो वो सब बातें याद रखती है
आई थिंक शी इज अ वंडरफुल पर्सन, अ थरो प्रोफेशनल एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। अ लॉट, काजल बहुत बहुत कुछ अपनी फिल्म में कंट्रीब्यूट करती हैं, वो एज एन एक्ट्रेस इतना कुछ देती हैं रोल को, वो रोल की बारीकियां समझ जाती हैं, वो जब आप उसको जब आप उनको कुछ कहती हैं तो वो हमेशा वो बात को याद रखती हैं, वो खुद इतना कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं विद हर नेचुरलनेस, विद हर एफर्टलेस परफॉर्मेंस, विद हर इंटेलिजेंस, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और उस इंटेलिजेंस के साथ वो रोल की गहराई को एक डेप्थ के साथ समझती है जो और लोग समझ नहीं सकते, और वो उस डेप्थ के साथ उस गहराई के साथ रोल का जो दर्जा है वो उसे बढ़ा देती है, और उसकी जो पर्सनालिटी है इट इज़ सो रिस्पेक्टेबल एंड इट इज़ सो डायनामिक कि रोल की औकात जो है वो यहाँ से यहाँ ले आती है, यू नो, एंड शी जस्ट और उसका जो प्रेजेंस है, शी हैज़ अ प्रेजेंस ऑन स्क्रीन विच इज़ इलेक्ट्रीफाइंग। जब काजल स्क्रीन पर होती है तो आप काजल को ही देखते हो, आप कुछ और देख नहीं सकते, यू नो, शी इज़ दैट पावरफुल एंड दैट्स द वंडर ऑफ काजल। और वो कभी भी और वो हर फिल्म में अलग होती है, वो हर फिल्म में कुछ और पर्सनैलिटी प्ले करती है। उनकी जब वो फना में थी तो उन्होंने जिस तरह उस रोल को प्ले किया जूनी का, इट वॉज जस्ट काजल एंड जूनी, दैट्स इट, मतलब यू कैन ओनली सी जूनी, देयर वॉज नोबडी एल्स ऑन स्क्रीन बट जूनी, शी वॉज जूनी। एंड हर सीन में आप फिल्म का यहाँ पर पोस्टर पड़ा है, आप बाद में पोस्टर शूट कीजिए और देखिए उसके जो एक्सप्रेशन है, हर फ्रेम में वो एक्सप्रेशन देती है उसका। हर परफॉर्मेंस वुड बी सो स्ट्रॉन्ग, मैं कभी कभी कट करना भूल जाता था सेट पे, और जस्ट बी लुकिंग एट हर, और जस्ट बी लुकिंग एट द परफॉर्मेंस, आई फॉरगेट कि मैं डायरेक्टर हूँ एंड आई एम सपोज टू से कट, आई वुड बिकम एन ऑडियंस, मैं ऑडियंस बन जाता था, आई वुड जस्ट बी लुकिंग एट हर परफॉर्म। इन एन इमोशनल सीन आई वुड गेट टीयर्स इन माई आईज, जब वो परफॉर्म करती है इन एन इमोशनल सीन आई वुड गेट टीयर्स इन माई आईज, समटाइम्स आई कुडंट से कट बिकॉज आई वॉज चोक्ड विद इमोशन, दैट्स द पावर ऑफ काजल एज एन एक्ट्रेस। One hundred reasons why I approached Kajal for Fana, or lekin I think the best reason is because she's Kajal. Usse bada kya reason ho sakta hai? She's Kajal. Come on, she's the ultimate. On the sense, Kajal kaise hai? She mazak karti rehti hai. Kajal set par bahut professional rehti hai. Yes, there are times when you know, there's a little bit of playfulness. Nissa bhi set par aati thi sometimes, you know, she'd be, and the most wonderful thing of Kajal is Nissa set par hoti thi kabhi, in between shots she'd be feeding Nissa and the next thing she comes and she gives a shot and then she goes back to feeding Nissa after that. It was so wonderful working with Kajal, it was so wonderful because jab wo set par hoti thi the whole atmosphere would be charged and there'd be a very positive atmosphere. Wo bahut hi ek positive insaan hai, तो वो बहुत पॉजिटिविटी लाती हैं हर चीज़ में, जो भी चीज़ वो करती हैं ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी के साथ करती हैं, विच इज़ वाई शी कम्स आउट सो गुड ऑन स्क्रीन, बिकॉज वो बहुत देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुडनेस इन एवरीथिंग काजल डज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुडनेस, देयर इज़ नो अदर वे टू एक्सप्लेन इट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुडनेस इन पॉजिटिविटी, जिसे बोलते हैं ना कि एक अ गुड सोल, दैट्स वॉट शी इज़ एंड शी स्प्रेड्स दैट गुडनेस, सो व्हेन शी इज़ देयर ऑन द सेट देयर इज़ जस्ट अ नाइस vibe on the set, there's a nice feeling on the set and there's a nice energy on the set, ek energy jo set par wo lati hai, not just an active energy but a positive energy, wo bahut heartwarming hai. Kajal ko hamesha Shahrukh ke sath kaam karte rahe, ji aapne unko pair kiya Aamir ke sath, ji to kitni mushkil aayi kabhi? Ab nahi, bilkul nahi, aisa I think ye sab afwahein hai. She's an actress. She's worked wonderfully with Shah Rukh and she's worked wonderfully with Aamir, and I'm sure she will work she's worked wonderfully with Ajay Devgan. She's a wonderful actress and she will work wonderfully in any role that is given to her. It doesn't mean that she has to be with only one particular co-star to do well. She's done well with all her co-stars. Kajal is Kajal, whoever the co-star is with her. Yes, her chemistry with Shah Rukh is fantastic. It's also fantastic with Ajay. I think Ajay and she have a lovely chemistry on screen also. Yeah, chahe wo ad ho, chahe Yumi aur hum ho, the chemistry is wonderful. Her chemistry with Aamir was wonderful in Fana. It was fantastic, the chemistry. So, she's an actress.
एंड अ माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस, तो केमिस्ट्री विल बी गुड.